पाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए वीडियो देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। कभी बार क्या हो जाते हैं, हमारे कंप्यूटर लैपटॉप या मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव के अंदर कुछ फाइलें डिलीट हो जाती है, जैसे फोटो है, वीडियो है या कोई भी ऐसी फाइल है जो आपके लिए बहुत ही जरूरी होती है। हम डिलीट करना नहीं चाहते, लेकिन कभी बार ऐसी स्थिति बन जाती है या कोई अन्य व्यक्ति डिलीट कर देता है, घर में बच्चे चलाते हैं तब डिलीट कर देते हैं। उस पोजीशन के अंदर हम उस फाइल को वापस कैसे रिकवर करें? वैसे नेट पे आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे जो आपके फाइल है उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन वो पेड होते हैं, उनके पैसे लगते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिस जो फ्री है और आप उसे बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर या आपके मेमोरी कार्ड के अंदर कोई भी फाइल या इमेज डिलीट हुई है उसको आप बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हो। आपके अपने लैपटॉप में या पीसी के अंदर या मेमोरी कार्ड के अंदर कोई भी ऐसी फाइल डिलीट हो गई है, ऐसी समस्या हो गई है तो आप उसको रिकवर करना सीखना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखें। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आपके टेक्निकल संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। हेलो दोस्तों, तो चलिए अब रिकवर करना सीखते हैं। तो कैसे करते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं ये सॉफ्टवेयर है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। रिकोवा नाम से सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब मैं आपको एग्जांपल तौर पे दिखा रहा हूँ, जैसे मेरे ये पेन ड्राइव लगा हुआ है, इसके अंदर ये दो फोटो है आपको दिख रही होगी, इन दोनों फोटो को मैंने सेलेक्ट किया और इन दोनों को मैंने कर दिया डिलीट। डिलीट करने के बाद आपको दिखा देता हूँ जो रिसीव बिन है इसके अंदर भी ये फोटो है या नहीं है, आप देख लेना पहले, नहीं है इसके अंदर। अब क्या करना है, सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जो भी नेक्स्ट लेवल आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आपको पहले तो यहाँ करना है डू नॉट शो दिस सेटअप जो ऑन है उस पर ओके करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप चाहो तो ऑल फाइल कर लेना, लेकिन मैंने तो अभी आपके सामने पिक्चर है वो डिलीट की है तो मैं सिर्फ पिक्चर यानी फोटो पे ही कर रहा हूँ, तो पिक्चर पे करके मैं नेक्स्ट कर दूंगा। फिर आपके जो डिवाइस है वो डिवाइस सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पर डिवाइस सेलेक्ट कर रहा हूँ, सी के अंदर है या डी के अंदर है, जहाँ भी मेरा सेलेक्ट डिवाइस है वहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने ये पेन ड्राइव के अंदर डिलीट की थी तो मैं उस पेन ड्राइव को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के बाद इनवेलेबल डीप स्कैन करूँगा जो काफ़ी डीप तक स्कैन होगा और स्टार्ट कर दूँगा। तो फोटो है, फोटो को शायद स्कैन करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, लेकिन ये मेरे जो मेमोरी कार्ड के अंदर पहले भी बहुत सारी फाइलें ऐसी डाउनलोड की हुई है इसीलिए ज़्यादा टाइम बता रहा है, 20 मिनट या 25 मिनट लेगा, तो मैं इतना टाइम न दे के 3-4% तक करूँगा ताकि फोटो जो है रिकवर हो सके। सिर्फ आपको एक एग्जांपल तौर पे दिखाने के लिए, फिर आपकी सारी फाइलें जो डीप से करोगे तो जितनी भी फोटो डिलीट की हुई है वो सारी आ जाएगी। अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यही डिलीट की थी मैंने। अब इनको आपको रिकवर करना है, तब आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद और इसको भी यहाँ से क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिकवर है, रिकवर आप जहाँ भी करना चाहते हो अपने डिवाइस के अंदर, जैसे भी आप मान लो कि मैं कर रहा हूँ इसको डेस्कटॉप के अंदर, या मान लो वापस मेमोरी कार्ड के अंदर ही कर रहा हूँ, इसके अंदर ही वापस रिकवर कर रहा हूँ और ओके कर दूंगा और यस कर दूंगा तो ये इसके अंदर रिकवर हो जाएगी, बहुत ही आसानी से रिकवर हो गई। आपको दिखा देता हूँ ओपन करके, ये देखिए ये दोनों की दोनों जो फोटो मैंने डिलीट की थी वो वापस रिकवर होके आ गई है। तो ऐसे दोस्तों आप भी बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हो। कंप्यूटर से जुड़े रिलेटेड वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।